जनपद संभल के चंदोसी में दीपावली पर्व को लेकर उप जिलाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारियों ने आतिशबाजी दुकानदारों का निरीक्षण करते हुए लाइसेंसी दुकानदारों को ही आतिशबाजी बेचने की अनुमति दी है। अवैध रूप से आतिशबाजी की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। दीपावली पर्व को लेकर उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी चंदोसी कोतवाली चंदोसी प्रभारी निरीक्षक ने दल बल के साथ रामबाग रोड पर आतिशबाजी दुकानदारों के लाइसेंस व पटाखों के गोदाम में सुरक्षा के उपकरण चेक किए व अग्निशमन उपकरण तथा स्टॉक रजिस्टर चेक करते हुए दीपावली पर सतर्क रहने व आग बुझाने के सभी उपकरण रखने व घनी आबादी से दूर आतिशबाजी बेचने की हिदायत दी। साथ ही उप जिलाधिकारी चंदोसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आतिशबाजी की दुकानें जो कंपनी बाग में लगा करती थी वह दुकान अब सीता आश्रम हनुमान ग्राउंड में लगाई जाएंगी। इनके हम लोगों ने सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब के साथ हम लोगों ने ज्वाइंटली यहां पर इंस्पेक्शन किया है और इन लोगों के जो फायर डिस्टिंग्विश हैं, इनके लाइसेंस हैं और इनका जो रख रखाव उसके बारे में हम लोगों ने इनको देखा है और इनको बताया भी कैसे करना है। इसके अलावा जो वितरण वगैरह करेंगे उसका रजिस्टर वगैरह मेंटेन करेंगे, किसको वितरित करेंगे, उनकी आईडी वगैरह, उनके लाइसेंस और उनके मोबाइल नंबर वो सब लेके रखेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने जहां पर हम लोग अस्थाई दुकानें बनाएंगे उस मैदान को भी हम लोगों ने इंस्पेक्शन कर लिया है और जो वहां पर हमारे फायर टैंकर्स वगैरह और जो वहां व्यवस्थाएँ होंगी वो सब व्यवस्थाएँ हम लोग कराएँगे और अच्छे से और बढ़िया से दीपावली मनाएंगे, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे हर बार से कंपनी बाग में पटाखों की दुकान लगा करती थी, इस बार कहाँ लगेंगे? हम लोगों ने इस बार जगह को चिन्हित किया है, ये हनुमान मंदिर के पास है, पुराना पहले रामलीला होता था, वो मैदान काफ़ी अच्छा है और थोड़ा आबादी से हटके भी है और स्पेसियस है, उसमें बाउंड्री वगैरह और गेट वगैरह हैं, उसको हम लोगों ने इस बार रखा है, वहीं पर हम लोग अस्थाई दुकानें लगवाएंगे।